हीट में नहीं रखेंगे। ऊपर से एल्यूमिनियम फॉइल और नीचे से गरम तवा जाएगा आपको। Fantastic. फ्रूट नट तो अब हम ये फ्रूट नट पुलाव को 5 to 7 मिनट्स के लिए इस दम पर पकाने वाले हैं, और 5 to 7 मिनट्स के बाद जब ये ढक्कन खुलेगा तो आपके इफ्तार के बुके का अगला आइटम तैयार हो चुका होगा। तो आप कीजिए इंतजार एंड वी विल हैव अ लुक एट द फ्रूट एंड नट पुलाव। नीचे गरम तवा, ऊपर एल्यूमिनियम फॉइल और उसके ऊपर ढक्कन। तो हमारा ये दम में पका हुआ फ्रूट एंड नट पुलाव कैसा दिखता है? 5 to 7 मिनट्स तो हो गए शेफ, तो अब खोले। श्योर श्योर, आई विल डू इट। शेफ पक्का ना? पक्का 100%। शेफ की गारंटी के साथ है ये। दिस इज गोइंग टू बी सो अनयूजुअल शेफ। मैं सोचती हूँ ये जो एप्पल्स हैं, जो पाइनएप्पल्स हैं, जो ग्रेप्स हैं, ये इस पुलाव के साथ पक के अलॉन्ग विद द नट्स ऑफ कोर्स, इट्स गोइंग टू बी समथिंग वेरी डिफरेंट। थोड़ा सा सैफरन ऊपर डाल के हमारा धनिया और मिंट दोनों कजिन बहनें जो हैं, थोड़ा मिक्स करके धनिया और पुदीना। आपको नहीं पता था? देखो पका नहीं, देखो नीचे एकदम फ्लफी है, एकदम फ्लफी है, परफेक्ट। देखा, इसीलिए हमने अमीरा गुड लेंथ बासमती राइस यूज किया था। आप देखिए कि जो एक एक दाना है वो किस तरह से निखर के आया है, और जहां तक अरोमा की बात है वो मैं देख ही रही हूँ। टूटी फूटी है वो। मैंने ऊपर का गार्निश तो देखा था, आज शेफ ने पहली बार नीचे का गार्निश दिखाया। इसे ट्रे में तो हम लोग मिट्टा करते हैं अभी। ओ, वही तो मैं सोचूं। अच्छा, मैं अभी आपसे पूछने वाली थी शेफ की, मतलब इतना खूबसूरत गार्निश आपने बनाया था वो तो नीचे दब गया, तो फायदा क्या? क्योंकि आजकल तो आपको पता है जो दिखता है वो बिकता है। लेकिन फिलहाल जो दिख रहा है वो तो सुपर्ब दिख रहा है शेफ, क्या बात है। ओह माय गॉड, फ्रूट एंड नट पुलाव, इट इज सो कलरफुल, सो अमेजिंग, फैंटास्टिक। तो शेफ मोतू ने काफ़ी उल्टा पलटी करके इसको कैसे बनाया है, चलें आपको बगैर कोई उल्टा पुलटी किए बिल्कुल बिगिनिंग से एंड तक लेकर जाते हैं, इसका पूरा प्रोसीजर आपको दिखाते हैं। फ्रूट एंड नट पुलाव बनाने का तरीका है, एक डीप बॉटम पैन में तेल और बटर गरम करें और उसमें सिनेमन, कार्डमम, बे लीव्स, क्लव्स और ऑनियन डालें। अब इन्हें सॉटे करें जब तक स्लाइस्ड अनियंस ट्रांसलूसेंट ना हो जाए, फिर इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालकर 1 मिनट के लिए पकाएं। अब इसमें टर्मरिक, मिंट लीव्स, कोरिएंडर लीव्स, फ्रेश फ्रूट्स, नट्स, गरम मसाला पाउडर, नमक, चावल और पानी डालकर इसे पकाएं। उसी समय एक दूसरे गैस पर तवा गरम करना शुरू कर दें। चावल के पैन को एल्यूमिनियम फॉइल से कवर करें और उसे उस गरम तवे पर डालकर करीब 7 से 8 मिनट तक धीमी आंच पे पकाएं। अब आपका पुलाव तैयार है। उस फॉइल को निकालकर इस पुलाव पे सैफरन, टूटी फ्रूटी, कोरिएंडर लीव्स, मिंट लीव्स स्प्रिंकल करें और गर्मा गर्म सर्व करें फ्रूट एंड नट पुलाव। वाह शेफ, इतनी मेहनत से हमने इतनी मेहनत से आपने फ्रूट एंड नट पुलाव बनाया, और कहते हैं मेहनत का फल मीठा होता है। अब मेहनत इस सेगमेंट में हो गई, फल भी इस सेगमेंट में हो गए, लेकिन जो मीठा है वो अगले सेगमेंट में आएगा। तो कीजिए आप इंतजार, छोटा सा ब्रेक एंड वी विल बी बैक विद अमीरा बासमती राइस की शाम इफ्तार। Cheap rice in an expensive bag. Panumati, madumati or fulmati? Could be. But basmati? Never. Which is why Amira Basmati, the best basmati money can buy. Because Amira Basmati is pure basmati. Have the best, forget the rest. Chi-Chi, fresh and fun fragrance from Sapple, Style Sense. Kimball, the sauce specialist. Sauces for all occasions. Tomato ketchup, chili sauce,
chili garlic sauce, Thai chili sauce, spaghetti sauce traditional, spaghetti sauce basil and garlic, hot sauce, Kimball sauces, the perfect complement. Kimball, the sauce specialist. What will you have to drink? A refreshing cappuccino cola? Or a fizzy pineapple drink? Or some tonic water? How about a mango treat? Perhaps a chilled orange juice? Or would you prefer some healthy guava juice? Star juices and soft drinks. A drink for everyone. Cheap price in an expensive bag. Panumati, Madumati or Fulmati could be, but Basmati never. Which is why Amira Basmati, the best Basmati money can buy. Because Amira Basmati is pure Basmati. Have the best, forget the rest. Tip of the Day is sponsored by Black & Decker Home Products, celebrating 100 years of innovation. आज का टिप एक बहुत ही हेल्दी टिप. एग्जैक्टली, पकौड़े बनाते वक्त अगर आप अपने बैटर में थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर मिक्स कर लेंगे तो एक तो आपके पकौड़े बड़े क्रिस्पी बनेंगे और दूसरी ज़्यादा ज़रूरी बात ये कि वो तेल बहुत कम सोखेंगे. अमीरा बासमती राइस की शाम में इफ्तार. एग्जैक्टली, हमने आज के इस एपिसोड में शेफ मुतू, जो कि है कॉर्पोरेट शेफ ऑफ लोटस हॉस्पिटैलिटी, इनके साथ मिलकर आपके इफ्तार का बुके बना दिया है ना शेफ. हमने शुरू किए केले के फूल के वड़ों के साथ, फिर हमने फ्रूट एंड नट पुलाव दिखाया, और अब इतनी मेहनत के बाद मीठा फल जो है वो इस सेगमेंट में आके मिलेगा. तो क्या मीठा बन रहा है अभी? कोकोनट बर्फी. कोकोनट बर्फी, वाओ. ओके, नारियल की बर्फी, वेरी नाइस. तो शेफ, नारियल की बर्फी के लिए हमें क्या क्या चाहिए ये हम पहले ऑडियंस को दिखाते हैं, तो आप लोग देख लीजिए. कोकोनट बर्फी बनाने के लिए आपको चाहिए ग्रेटेड कोकोनट 100 ग्राम, शक्कर 200 ग्राम, पानी 100 ml, खोया या मावा 50 ग्राम, नाटको कार्डमम पाउडर 2 ग्राम, अलमराई घी 30 ग्राम, पिस्ता 5 ग्राम.